और इस वक्त एक बड़ी खबर शामिल करें कि इस्लामाबाद से जहां कौमी असम्बली तहलील कर दी गई, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। कौमी असम्बली तहलील होने के साथ ही वफाकी काबीना और हकूमत भी तहलील हो गई। सदर ममलिकत ने 12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी होने से कबल वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। सदर के दस्तखत करते ही कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील हो गई, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। कौमी असम्बली तहलील होने के साथ ही वफाकी काबीना और हकूमत भी तहलील हो गई। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद आइन के आर्टिकल 224(a) के तहत निगरान वज़ीर आज़म का तकरर किया जाएगा। असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 224(1) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। अब तक की बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे थे इस्लामाबाद से, जहां सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। कौमी असम्बली तहलील होने के साथ ही वफाकी काबीना और हकूमत भी तहलील हो गई। सदर ममलिकत ने 12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी होने से कबल वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए।